ना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जैसा कोई पुत्र, ना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जैसा कोई पिता, ना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जैसा कोई राजा। जब तक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज शरीर करके रहे, ना किसी कोई मस्जिद टूटी, ना कोई मंदिर टूटा, ना कोई मस्जिद ना कोई मंदिर की भेद भी। जंग में लोग कहते हैं कि जंग में सब कुछ जायज है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नियम थे जंग के भी, जंग में सब कुछ जायज नहीं। बुजुर्ग के ऊपर हाथ नहीं उठाना, औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाना, बच्चे पर हाथ नहीं उठाना, कोई पीठ दिखाकर भाग रहा हो उस पर हाथ नहीं उठाना, जो शरण में आ जाए उस पर वार नहीं करना, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के असूल। आज तक किसी जंग में असूल नहीं माने जाते, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के असूल थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जैसा कोई योद्धा नहीं हुआ। आप हजूर साहब जाते हो, तीर के दर्शन कराते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, कहते हैं तीर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पीछे सोना लगा है, सोना। सिखों ने सवाल किया, पाचात हर तीर के पीछे एक तोला सोना क्यों लगाते हो? तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, इस तीर से अगर कोई घायल हो जाए, क्योंकि सामने से आ रहा हमारा दुश्मन नहीं, हम किसी के बैरी नहीं, मारना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जुल्म का साथ दे रहा है वो, अगर वो जख्मी हो जाए तो अपना इलाज करा ले उस सोने से, अगर मर जाए तो उसके कफन दफन के काम आ जाए सोना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जैसा गुरु भी नहीं। एक तरफ सिखों को अमृत की दाद दे रहे हैं गुरु बनकर, और दूसरी तरफ खुद पांच प्यारों से अमृत की दाद मांग रहे हैं चेला बनकर। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु, वाह वाह गोविंद सिंह, वाह वाह गोविंद सिंह, वाह वाह गोविंद सिंह, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला।